खबर रायबरेली लालगंज से, जहां लॉकडाउन की वजह से इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल। पुलिस ने दिखाई संवेदना, लोगों ने खूब सराहना की। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी प्रभारी ने कहा, लॉकडाउन का असर आम आदमियों पर नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी पड़ा है। जगह जगह उनके झुंड भोजन की तलाश में भटक रहे। मंदिरों से दूर होने की वजह से भोजन के लिए बंदरों को दर दर भटकना पड़ रहा है, जिससे उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज चौकी प्रभारी आर राजकुमार ने चौकी के समीप भूख से बिलखते बंदरों को देखा तो पुलिसकर्मियों ने पहल करके चना व भोजन उपलब्ध कराया। उमभाव इंस्पेक्टर और आर राजकुमार ने भूख से बिलखते बंदरों के झुंड को देख तुरंत उनके खाने की व्यवस्था की। चौकी के करीब एक बीघे के परिसर में कई सैकड़ों बंदर रहते हैं और बंदरों के लिए चना व अन्य खाने के सामान की व्यवस्था रोज कराते हैं। इस मौके पर आरक्षी विकास कुमार, आरक्षी आदर्श यादव, आरक्षी विनय शुक्ला व अन्य लोग मौजूद रहे। बिस्किट प्रेमी 30-30 सेकंड की बना 30-30 सेकंड की।